बहुत जरूरी बातें इस बात को रखते हैं, क्वेश्चन डालते हैं और व्यवधान होगा। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने मानसून सत्र की कार्यवाही को निर्धारित समय के एक दिन पहले ही गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सत्र के पांचवें दिन सदन ने 3 विधेयकों को मंजूरी प्रदान की। सत्र की कार्यवाही 5 अगस्त तक निर्धारित थी। शुक्रवार को प्रश्नोत्तर काल के अलावा गैर सरकारी संकल्पों को पेश किया जाना था, लेकिन एक दिन पहले ही सत्र समाप्ति की घोषणा कर दी गई। इस पर जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा, यह सुनते हैं आपको। हरदम व्यवधान खड़ा होगा तो अच्छा तो नहीं है ना, है? बराबर व्यवधान खड़ा हो और यहाँ कितना सारे विधायक लोग बहुत जरूरी बातें इस बात को रखते हैं, क्वेश्चन डालते हैं और व्यवधान होगा तो क्यों होता रहा बराबर? इसलिए हो सकता है, इसी की भाग रही है सरकार, इसलिए सवाल जवाब दो यार बीजेपी का। गुरुवार को भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होने पर सरकार की ओर से 3 विधेयकों को पेश किया गया, जिन्हें ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गई। समय से पहले सत्र समाप्ति पर निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि मैं अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार देखा हूं कि सदन अचानक स्थगित किया गया। यह बहुत दुर्भाग्य है, बिना सूचना दिए हुए ही अचानक सदन स्थगित किया गया, यह झारखंड के लिए अच्छा नहीं है। बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो सदन में उठाए जाते हैं। सदन को अचानक स्थगित करना, इसका प्रभाव सरकार और जनता दोनों पर पड़ता है। सभी विधायकों के अपने क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषय शामिल थे और कहीं न कहीं ऐसे महत्वपूर्ण विषयों का सदन में नहीं आ पाना जनता के साथ कहीं न कहीं उनके हितों की अनदेखी है। अब अध्यक्ष महोदय का निर्णय है, इस पर कमेंट नहीं करना है, लेकिन राजनीति में सदन चलना चाहिए और जो जनता के विषय है, जनता की जो जन समस्याएँ हैं, जो जन मुद्दे हैं, सदन में आना चाहिए, स्वस्थ रूप से उस पर बात बात होना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।